फिरोजाबाद में 22 से 28 जुलाई तक आयोजित प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात जागरूकता के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन किया गया, जहां महिला आयोग की सदस्य सुमन चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलित कर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। वहीं यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कई विभागों की भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, परिवहन विभाग के टेक्निकल आरआई के साथ छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों के लिए युवा को सबको जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत ये हर रोज मनाया जाता है। ये आज हमारा जो रोड सेफ्टी सप्ताह था, ये साल में चार चलते थे हमारे राज्य सरकार की तरफ से और एक केंद्र सरकार की तरफ से चलता था। तो केंद्र सरकार की तरफ से वो इस बार माह के रूप में मनाया गया, जो जनवरी में चला। और जो रोड सेफ्टी कोविड महामारी को देखते हुए रोड सेफ्टी जो सप्ताह है, ये हमारा प्रथम सप्ताह अभी जो है चलाया जाएगा। इसके दौरान रोड सेफ्टी से संबंधित जितने भी नियमों का पालन कराना, जनमानस से उनके बारे में बताना और रोड सिग्नल मतलब सभी को उसको जो है, जिससे हमारे जो है दुर्घटनाएं कम हो, इसके बारे में जागरूक करना। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोगों की जागरूकता इसी के दृष्टि तक आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित है और बहुत सारे हमारे जो गुरुबाद के नागरिक हैं, वो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। सभी को बताया गया है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का हमको पालन करना है और खुद की जान बचाने के साथ साथ दूसरों की जान को भी बचाना है। आज सभी के द्वारा शपथ भी दी गई है और मुझे लगता है कि पिछले वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में